प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको सर्वाष्टक वर्ग से ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वाष्टक वर्ग में किस प्रकार आपको अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण चयन करना है। आज की वीडियो भी उसी से जुड़ी हुई है, या ये बोल सकता हूं कि उस वीडियो में जिन जिन दर्शकों को जो भी डाउट आए थे, जो भी परेशानियां आई थी, उन्हें दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। आपके भी अगर मन में सर्वाष्टक वर्ग से जुड़े कोई प्रश्न थे तो मैं आज उसका समाधान आपको बताने वाला हूं, और फिर एक बार आपको बताऊंगा किस प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे देखना है। लेकिन आज एक अलग उदाहरण लूंगा जो आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले, जिन दर्शकों ने नहीं देखा है पूर्व की वीडियो को, वो आई बटन पर क्लिक करके उस पूर्व की वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्या आपको बताने वाला हूँ। सर्वाष्टक वर्ग देखा जाए तो इसके द्वारा आपकी कुंडली में सभी ग्रह, सात ग्रह, राहु केतु की गणना नहीं होती है, सात ग्रह सूर्य से लेकर शनि पर्यंत और एक आठवें नंबर पर लग्न को लिया जाता है। इसीलिए इसे अष्टक वर्ग या सभी का जोड़ करके सर्वाष्टक वर्ग कहा जाता है। तो सर्वाष्टक वर्ग के आप जब चार्ट में जाएंगे, अब कुछ दर्शकों का प्रश्न था ये कहाँ पर मिलेगा या कहाँ से इसे प्राप्त करें, कैसे बनाएं। देखिए, बनाने के लिए तो इसकी विधि है कि कौन ग्रह कहाँ कहाँ पर अपने से किस किस भाव में अंक या बिंदु प्रदान करता है। लेकिन मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी वो जानकारी नहीं दी थी, और ना ही मैं आपको वो आज देने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर एक ग्रह का बताने लग जाऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर अंक देता है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इससे कोई इतना इंटरेस्ट दिखेगा भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए, एक सॉफ्टवेयर आपको जो मोबाइल में अगर आपको देखना है तो एक ज्योतिष ऐप नाम से एक आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, नीले रंग का आइकन होता है, उसमें सफेद रंग से एक पानी की बूंद जैसा कुछ बना हुआ होता है, वो एक इस तरह का आइकन मिलेगा। उसमें आपको सर्वाष्टक वर्ग या कुंडली में जितने भी चार्ट होते हैं, षडबल आदि सारे उसको आपको विस्तार से वहां पर मिल जाएंगे, उस ऐप में मिल जाएंगे। तो आप ज्योतिष ऐप, ये नाम ही, उस ऐप का नाम ही यही है, ज्योतिष ऐप आप डालिएगा प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा नीले रंग के आइकन में, शायद सफेद बीच में पानी की बूंद जैसा कोई उसका चिन्ह है, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। उसमें डाउनलोड कीजिए, अपनी कुंडली बनाइए, आपको वहां पर ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग, तो आप उसमें जाकर के अपना अष्टक वर्ग बना लीजिए, अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग बना लीजिए। जब आपके सामने अष्टक वर्ग आएगा तो अष्टक वर्ग का जो चार्ट होगा वो आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अष्टक वर्ग का चार्ट होगा वो आपको कुछ, ये जो साइड में आप चार्ट देख रहे हैं, इस तरह से दिखेगा। पिछली वीडियो में मैंने एक अलग उदाहरण लिया था, आज एक अलग उदाहरण लिया है। पिछली वीडियो में मैंने जो सूत्र बताया था वो क्या था कि जिस भी भाव में ज्यादा अंक है उस भाव से तीन घर आगे जाइए, उस भाव से जुड़ा कार्य अपने करियर में जोड़ लीजिए, आप देखेंगे करियर में लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। बस ये छोटा सा सूत्र था, और बहुत से दर्शकों ने कहा भी कि हाँ ऐसा है, मैं उसी तरह की फील्ड में जुड़ रहा हूँ, या मुझे अच्छा लगता है, या मुझे ज़्यादा लाभ मिल रहा है, ऐसा आपने बहुत से दर्शकों ने कहा भी। लेकिन एक दर्शक ने सही प्रश्न किया उसमें कि आखिर तीसरा ही भाव क्यों ले रहे हैं, तीसरे भाव का संबंध ना करियर से है, ना ही वो हमारे कर्म को दर्शाता है, करियर को दर्शाता है, तो तीसरा भाव ही क्यों लिया। देखिए, इसका बीच में मैंने छोटी सी जानकारी उस वीडियो में दी थी, मुझे लगा आप सब समझ जाएंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ आखिर मैंने क्यों तीसरा भाव कहा। आप किसी भी भाव से जब तीन घर आगे जाएंगे, जैसे उदाहरण में लीजिए, उदाहरण में मान लीजिए लग्न में ज्यादा अंक है, तो लग्न से तीन घर आगे, यानी लग्न पहला, दूसरा भाव दूसरा, और तीसरा भाव तीसरा, तीसरा भाव तो यहाँ पर लग्न से तीसरा भाव आ गया। अब आपने तीसरे भाव से देखा, जब तीसरे भाव को लग्न बना लेंगे, मान लीजिए जो तीसरा भाव आया है वो लग्न है, तो उससे जो लग्न आएगा यहाँ पर वो ग्यारहवा भाव पड़ेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में ज्यादा अंक है, तो उससे तीन घर आगे सप्तम भाव आ गया, सप्तम भाव से जो पंचम भाव पड़ता है वो ग्यारहवा यानी लाभ भाव पड़ता है। यानी आप जब पंचम भाव से जुड़े तो उससे सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल रहा था, लाभ के अंदर, लाभ भाव के अंदर आपको सबसे ज्यादा अंक मिल रहे थे, तो वो आपके लाभ में वृद्धि कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपने करियर में धन की स्थिति अच्छी करना है तो आप जिस भाव में ज्यादा अंक है उससे तीन घर आगे चले जाइए। आप तीन घर आगे जाएंगे, वहां से जुड़े काम को करेंगे, तो उससे जो लाभ भाव है उसमें सबसे ज्यादा अंक है, सबसे ज्यादा अंक होने के कारण आपको वो कार्य लाभ देने वाली स्थिति में आ जाएगा,
लाभ देने लग जाएगा, ज्यादा मात्रा में लाभ देने लग जाएगा, क्योंकि बेसिक नियम तो आपने पढ़ रखे है कि लाभ भाव में अधिक अंक ना हो, बारहवें भाव में अधिक अंक हो तो कम कम लाभ होता है, हानि ज्यादा होती है, या फिर इसी के ठीक विपरीत मैंने अन्य सूत्र आपको पूर्व की वीडियो में बताए थे, या दशम में ज्यादा अंक है लाभ में कम है तो कर्म ज्यादा होता है लाभ कम होता है, ये भी सूत्र आप पहले मेरे मुख से सुन चुके हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये हर व्यक्ति पर लागू नहीं होते, क्योंकि दो घंटे में एक ही लग्न रहता है, एक ही जैसा अष्टक वर्ग बनता है, तो इसीलिए आप उससे तीन घर आगे जाकर उससे जुड़े काम में जुड़ेंगे तो आपके लिए उससे लाभ भाव में जो अंक आएगा वो आपको लाभ देगा। अब कुछ दर्शकों ने कहा कि आप बताइए हर भाव से कौन कौन से काम होते हैं, आप एक बार पूर्व की वीडियो देखिए, मैंने एक एक लाइन से तो नहीं बताया, लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी भावों को सम्मिलित कर लिया है उसमें, उसमें त्रिक भाव हो गए, उसमें केंद्र के सारे भाव आ गए, सभी भाव मैंने एक एक करके सारे कंप्लीट कर ही लिए उसमें, कि अगर तीसरे भाव मतलब जैसे लग्न में है तो तीसरे भाव से क्या क्या देखते हैं, तीसरे भाव में तो पंचम भाव से क्या क्या देखते हैं, ऐसे मैंने करके एक एक करके सारे भाव कवर कर लिए हैं। तो आपको कौन से काम में जुड़ना है वो आपको पूर्व की वीडियो में मिल ही जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उस वीडियो से जो काम निकल गया था उस काम से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया और जो मैं जानता था ये आएगा, मैंने पूर्व की वीडियो में भी ये जो आप चार्ट साइड में देख रहे हैं निकाल के रख रखा था, बस उस वीडियो में इसलिए नहीं बताया ताकि बहुत से दर्शकों के मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा, इसीलिए मैंने इस चार्ट को रोक के रखा था कि ये चार्ट आपको बताना, ये पहले से निकला हुआ चार्ट था, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति की कुंडली में कोई एक ही भाव में बहुत ज्यादा अंक हो ये जरूरी नहीं है, कुछ जातक जातिकाओं की कुंडली में एक भाव में जो ज्यादा अंक वाला जो भाव होगा ऐसे एक नहीं दो तीन भाव होंगे, जैसे इस कुंडली में लीजिए आपने देखा पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अंक 36 है और वो लग्न में भी है लाभ भाव में भी है, अब आपके मन में कंफ्यूजन कि आखिर किसे ले, हम लग्न को मान के चले या फिर लाभ भाव को मान के चले, किसे मानना सही रहेगा। देखिए ऐसे में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके ऊपर चॉइस है, एक आपके पास ईश्वर के द्वारा आपको एक चॉइस दी गई है कि अब आपको जो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि लाभ भाव में उससे भी अधिक अंक होंगे। हाँ आप एक बात देख सकते हैं, जैसे इस कुंडली में आप जाइए, इस कुंडली के चलो मैं लग्न को मान लू कि व्यक्ति को हम कहते हैं कि लग्न से जुड़ा काम करिए, तो व्यक्ति लग्न से जुड़ा काम करेगा और आपने देखा लग्न में 36 अंक है तो 36 है तो जहां पर भी ज्यादा अंक होंगे व्यक्ति को मजबूत बनाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि लग्न से जुड़ा मतलब हमने कहा व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर काम करे, स्वयं को आगे रखकर काम करे, जो भी काम करे उसमें अपने आप को आगे रखे, जो भी राशि आदि के अनुसार फिर आप जोड़ लीजिए उसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रभाव आएगा वो लग्न से जोड़कर हम कहेंगे कि अपने आप को आगे रखकर काम कीजिए। यही हमने थोड़ा और चेंज करके कहा कि तीसरे भाव से जुड़ा कीजिए, क्योंकि लग्न में भी 36 अंक है, तीसरे भाव से जुड़ा हम कहेंगे कि थोड़ा छोटी यात्रा करनी हो, दूर स्थानों से जुड़ना हो, आपकी हॉबी से जुड़ा काम हो, कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ा काम हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम हो, ऐसे कोई ना कोई अलग अलग काम हम बताते रहेंगे कि तीसरे भाव से जुड़ा काम आप इन कार्य को करिए। तो ये दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को लाभ बराबर ही होगा, लाभ अच्छा ही होगा, बस और ये व्यक्ति के स्वयं के इंटरेस्ट के ऊपर, और साथ में ये तो केवल अष्टक सर्वाष्टक वर्ग है, आपके हाथ में है कि आपके पास कुंडली भी है, नवमांश भी है, दशमांश भी है, दशा भी है, आप सब स्थिति का आकलन कर लीजिए। आपने देखा कि व्यक्ति के लिए ऐसा काम निकल के आया क्योंकि व्यक्ति को तीसरे भाव से जुड़ा काम करना चाहिए, मतलब मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन का काम आया, कुछ कागजी कार्रवाई से जुड़ा, कागजों से जुड़ा कुछ काम आया, अकाउंटिंग का काम आया। अब आपने देखा अकाउंटिंग के लिए बुध का थोड़ा अच्छा होना जरूरी है, आपने देखा बुध बढ़िया स्थिति में बैठा है कहीं पर, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप तो अकाउंटिंग का काम कीजिए। इसी प्रकार आपको थोड़ा सा एक अंतर करना है उसमें। अब किसी कुंडली में चार भाव एक जैसे अंक को लेकर है तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते चारों के काम कर लीजिए, आप काम तो एक ही कोई व्यक्ति करेगा, एक शरीर दो कर लेगा, इससे ज्यादा तो क्या कर पाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको उतना करना है कि आप देखिए कि जो भाव निकल कर आया वहां आपकी एक मेहनत थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, कि आप अब देख लीजिए कि जो भाव या जो काम निकल के आया वो जिस भी ग्रह से जुड़ा काम है, ये तो आप सब जानते हैं कि इस ग्रह से कौन सा काम आता है, तो आप उस ग्रह से जुड़े काम को देखिए कि वो ग्रह किस स्थिति में है। ग्रह बलवान हो तो आप उसी काम को कर लीजिए, ग्रह कमजोर है तो फिर अगले उसको देखिए कि अगले में कहां पर है। ये वहां पर चीक नहीं करना जहां पर एक ही भाव में ज्यादा अंक है, जैसे पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि एक ही भाव में अधिक अंक है तो आप उससे तीसरे भाव में जाइए उससे जुड़ा काम कर लीजिए। लेकिन अगर एक से अधिक भाव में अगर आप देखते कि अधिक अंक हो तो ये आपको ग्रह की स्थिति पर भी निर्भर करना पड़ेगा, फिर ग्रह की स्थिति का विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ व्यक्ति के स्वयं के इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं कि उसका मन किस में है।
इस बात का विचार करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ वो काम व्यक्ति को मन से भी अच्छा लग रहा है, व्यक्ति अच्छे से कर भी रहा है, लाभ भी उसका बढ़ रहा है, तो ये विचार आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी मेरे को आपको देनी थी। बाकी आपके कुछ प्रश्न थे, मैंने यहाँ पर जो आपकी पूर्व की वीडियो में जो आपने प्रश्न किए हैं वो मेरे सामने रखे हैं, मैं एक बार चेक कर रहा था कोई प्रश्न रह ना गया हो। जैसे यहाँ पर अधिकतर ने तो कुछ नहीं ये पूछा था कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। मैं बता दूं इसको कैलकुलेट करना मैं एक एक करके सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आसान यही है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बना ले, आपका भी समय बचेगा, सिर्फ आपको देखना रहेगा, क्योंकि वो तो आप किसी भी किताब में ढूंढेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग कैसे बनाए, वो सामने आ जाएगा आपके, हर ग्रह किधर किधर अंक देता है पता लग जाएगा आपको। तो इसलिए उसमें उतनी मेहनत ना करें, आसान काम टेक्नोलॉजी का थोड़ा उपयोग करें। सबसे उपयोग टेक्नोलॉजी का यही है कि आप उसका अपने काम को आसान बनाने में उपयोग करें। फिर कुछ दर्शकों का ये भी प्रश्न था कि यदि एक से अधिक भावों में एक समान अंक हो तो फिर क्या देखना है, या फिर उसके लिए फिर श्रेष्ठ करियर कैसे चुने, उसका कोई विकल्प है क्या? तो मैं तो ये कहूंगा कि उसका नियम यही है कि थोड़ा अपना इंटरेस्ट, थोड़ा ग्रह की स्थिति, दोनों पर निर्भर होकर आप देखिए क्या आपके लिए सबसे बढ़िया आ रहा है और वही आपके सबसे बढ़िया रहेगा। फिर कैसे निकालना है ये सब मैं बता चुका हूँ। अधिकतर प्रश्न कैसे निकालना है, कैसे ज्ञात करना है उससे जुड़े थे। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर आपको मतलब उतना ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का उपयोग कीजिए, आसानी से निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब एक जातक ने जो अष्टम भाव से जुड़े कौन कौन से काम है, अब ये मैंने बताए थे जब तृतीय भाव की चर्चा की, तो छठा आठवां बारहवा तीनों भाव बताए थे, तीनों भाव के मैंने काम बताया। एक बार विचार देखिए वीडियो को, पूर्व की वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। एक दर्शक ने कहा कि तीसरे भाव में अधिक अंक है तो मेरा स्टॉक में, शेयर मार्केट में, शिक्षा से जुड़े पंचम भाव आएगा ना, तो उससे जुड़ा व्यक्ति का मन है मेरा अच्छी, उसमें मतलब सकारात्मक दिशा में व्यक्ति बढ़ रहा है। यही बात एक और जातिका का भी था कि अगर एक ही भाव में एक ही जैसे अंक होंगे तो किसे लेना है, ये भी मैंने बताया आपको। फिर एक और दर्शक का प्रश्न था यही कि तीसरे में अधिक अंक है तो पंचम से जुड़े, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, तो बिल्कुल ठीक है, मार्शल आर्ट से वो जुड़े हैं तो पंचम भाव में आते ही चीजें, और बिल्कुल स्पोर्ट्स वगैरह का प्रभाव पंचम में आता है, इसलिए आप सही दिशा में, मतलब सभी के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको किस भाव से कौन सा काम आता है वो पता होना चाहिए, बस फिर आप जुड़ पाएंगे, आप वो काम कर पाएंगे। एक और दर्शक ने पूछा था कि मतलब तीन घर आगे ही क्यों देखना है, उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया आज की वीडियो में। तो ये जो आपके जो प्रश्न थे मैंने उनके उत्तर दिए हैं आपको। अब आप ये जो मैंने बताया है इसे आप फैलाइए, न केवल अपनी कुंडली में, अन्य की कुंडली में, या किसी को करियर बताएं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, सर्वाष्टक वर्ग खुले, जहां ज्यादा अंक है उसे तीसरे भाव में जाए, उस भाव से जुड़े काम बता दो, ये काम आप कर सकते हो, इसमें से कोई भी कर लो। इन काम में व्यक्ति का मन होगा या ना होगा, कम से कम उसके जीवन में लाभ तो बढ़ ही जाएगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण पूर्व की वीडियो में दिए थे, आप उनका थोड़ा और ध्यान दीजिए, उस तरह का अपने ऊपर मिलाइए, दूसरों के ऊपर मिलाइए, पता लग जाएगा आपको प्रभाव। बाकी कोई प्रश्न हो तो फिर आप भेजिए, अगर आवश्यकता लगी तो मैं पुनः वीडियो में या कभी फिर कभी लाइव करूंगा तो मैं आपको उसमें जानकारी दूंगा। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।